बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर वाफियत से होंगे। तो आज की जो वीडियो है इसमें मैं आपको बताऊंगा कि पटवारी की जो जॉब्स हैं इसके मुतालिक तमाम डिटेल, और इसकी तमाम डिटेल जो है मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा इसी वीडियो में। तो आपने क्या करना है, आपने जो है गूगल ओपन करना है। ओपन करने के बाद जॉब्स डॉट पी के जो है सर्च करना है। सर्च करने के बाद आप इस तरह की वेबसाइट पर पहुँच जाएंगे। इसका कुछ इंटरफेस इस तरह से है। आपने आपके सामने सबसे ऊपर जो है रेवेन्यू डिपार्टमेंट पंजाब जॉब 2021 लेटेस्ट रिक्रूटमेंट, आपने इस पर जो है क्लिक कर देना है। थोड़ी सी लोडिंग होगी, लोडिंग होने के बाद आपके सामने डिटेल इसकी आ जाएंगी। तो डिटेल मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। रेवेन्यू डिपार्टमेंट पंजाब जॉब एडवर्टीजमेंट लेटेस्ट, पोस्टेड डेट इसकी 10 नवंबर 2021 है। लोकेशन इसकी गुजरांवाला सांगला हिल सियालकोट। एजुकेशन इसमें जो है इंटरमीडिएट। लास्ट डेट 25 नवंबर 2021 है। वैकेंसी इसमें 29 हैं। कंपनी नेम जो है वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट पंजाब है। एड्रेस इसमें असिस्टेंट कमिश्नर ऑफिस हेड कायदाबाद सियालकोट है। उसके बाद इसकी जो है वैकेंट पोजीशन पटवारी की BPS 9 है। अप्लाई करने का तरीका, आपको करेक्टर सर्टिफिकेट, उसके बाद तस्दीकशुदा कापियों के साथ CNIC 3 तस्वीर, तलीमी दस्तावीजात, डोमिसाइल दरख्वास्त मुतलक इश्तहार में दी गई, आखिरी तारीख से पहले पहुँच जाएंगे। तो कोई बराह रास्त जो दरख्वास्त है वो कबूल नहीं की जाएंगी, सिर्फ डाक के जरिए मौसूल होने वाली दरख्वास्तें कबूल की जाएंगी। उम्मीदवार मुतलका एसी ऑफिसर ऑफिस में दरख्वास्तें जमा कराएंगे। तो ये जो थी ये असिस्टेंट कमिश्नर ऑफिस सांगला हिल जॉब्स, यहाँ पर आपने भेज देनी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पटवारी तादाद असामी 4, नोयत असामी मुस्तकिल, उसके बाद उम्र की हद जो है 18 ता 25 साल, उसके बाद तलीमी फ़नी काबिलियत जो है ए ICSE या इंटरमीडिएट सेकेंड डिवीजन किसी भी रजिस्टर्ड बोर्ड से अलहाकशुदा 40 अल्फाज फी मिनट। तो इस तरह से आप जो है इसमें अप्लाई कर सकते हैं, और अप्लाई करने के साथ इसमें जो है यहाँ पर आप जॉब्स जो है वो इसमें यहाँ पर जो दी गई हैं इसकी तमाम डिटेल मैंने आपको पढ़ के सुना दी है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो आपने हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है, और साथ में बने बेल के आइकन को भी प्रेस कर देना है।